गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली ये आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर का एक टॉपिक है, जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे हम हॉब्स, लॉक एंड रूसो के पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ेंगे। तो हमारे जो सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से आता है। तो यहाँ से हम उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये क्या है आपकी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स अ लॉट। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपका जो है, बेसिकली ये थ्योरी हॉब्स एंड इस थ्योरी में के अंतर्गत हम हॉब्स, लॉक एंड रूसो के विचार को पढ़ते हैं, उनके थॉट्स को पढ़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई गई, जिसको स्टेट ऑफ नेचर बोला गया। स्टेट ऑफ नेचर, जहाँ पर मतलब शुरुआत में, बिगनिंग में इंडिविजुअल्स रहते थे। तो स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या सरकमस्टेंसेस बनाई गई, जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं थी और कोई लॉ नहीं था रेगुलेट करने के लिए। जो स्टेट ऑफ नेचर है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, एक तरीके की वो हार्डशिप एंड ऑपरेशन वाली सोसाइटी थी, राइट। कुछ तो स्टेट ऑफ नेचर में ऐसी कंडीशन थी। तो हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने, तीनों ने अपने अपने हिसाब से जो स्टेट ऑफ नेचर है, उसकी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है और उसके बेसिस पर अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, राइट। तो आते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का हम एनालिसिस करेंगे। सो थॉमस हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपीयर्ड होती है फर्स्ट टाइम इन लेवियाथन। सो लेवियाथन बुक है जो पब्लिश हुई थी 1651 में ड्यूरिंग सिविल वॉर इन ब्रिटेन। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं जो MCQ के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट चल रहा है, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थॉमस हॉब्स की, आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, वहाँ पर थॉमस हॉब्स की बुक भी पूछी जाएगी। तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल MCQ बन सकते हैं, प्लेटो से लेकर के लेनिन, मार्क्सिज्म तक, उसको आप देख सकते हो अगर आप अपियर हो रहे हो तो। हाँ, थॉमस हॉब्स की हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहाँ पर मिलती है? लेवियाथन जो बुक है थॉमस हॉब्स की, पब्लिश होती है 1651 में ड्यूरिंग सिविल वॉर। सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट आपको इसलिए ध्यान रखना है जब हम थॉमस हॉब्स का पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब सिविल, हर एक जो पॉलिटिकल थिंकर है, चाहे वो प्लेटो रहा हो, चाहे अरिस्टोटल रहा हो या थॉमस हॉब्स, कोई भी पॉलिटिकल थिंकर है, तो उसके जो विचार हैं, उसके जो थॉट्स हैं, उस टाइम की जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग कंडीशंस थी, उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेटो के टाइम पे क्या था, बहुत सारा करप्शन था, एथेंस का फॉल हो रहा था, तो उन्होंने एथेंस को एक की सिचुएशंस को सही करना था, करप्शन को दूर करना था, इसीलिए उन्होंने एक आइडियल स्टेट को इमेजिन किया। इन द सेम मैनर थॉमस हॉब्स के टाइम पे सिविल वॉर चल रहा था इंग्लैंड में। तो जो सिविल वॉर की सिचुएशंस थी, इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया थॉमस हॉब्स के पॉलिटिकल थॉट को। सो थॉमस हॉब्स के पॉलिटिकल थॉट पर आप देखेंगे कि उन्होंने जो ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन किया है, जैसे कि सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रुटिश, शॉर्ट, सेल्फनेशनेस, ये सारी फियर, तो ये सारे जो इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड थी जो सिविल वॉर की सिचुएशन थी। तो सिविल वॉर की सिचुएशन में आप देखेंगे कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहेंगे। तो उस सिचुएशन ने थॉमस हॉब्स को इम्पैक्ट डाला और उन्होंने अपने थॉट को उस हिसाब से शेप किया, राइट। तो थॉमस हॉब्स है, वो कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, जहाँ पर कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो स्टेट ऑफ नेचर का सिचुएशन कैसा था, लोग हमेशा कांस्टेंट फियर में रह रहे थे, सेल्फिशनेस का कंडीशन थी, सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रुटिश एंड शॉर्ट, ये था लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट ऑफ द नेचर।
तो हमने समझ लिया कि थॉमस हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर कैसा था। तो अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले देखो, तीन चीज समझने की जरूरत है जब भी आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ें, तो तीन चीज समझो। पहले तो स्टेट ऑफ द नेचर थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग क्या है, लॉक के अकॉर्डिंग क्या है एंड रूसो के अकॉर्डिंग क्या है। इसके बाद से उनकी फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल ये फियर वाली सिचुएशन, पुअर या नास्टी वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहेगा। तो सेल्फ प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, इक्वालिटी, इन सब के लिए क्या करेंगे, वो आपस पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक अथॉरिटी का निर्माण करेंगे, एक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे जिससे कि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिल सके, राइट। उनके जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको रेगुलेट किया जा सके, फियर को दूर किया जा सके, राइट। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरा हमें क्या पढ़ना है, तीनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसके बाद तीसरे में हमें क्या पढ़ना है कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, राइट। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं थॉमस हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर। तो थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग अब इनके इंट्रोडक्शन में हम ये सारी चीज़ें देंगे जो मैंने ऊपर बताई। इनकी बुक का नाम देंगे हम, सिविल वॉर के टाइम पे थे और इनका स्टेट ऑफ नेचर की कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर क्या था। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मैन, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो इंडिविजुअल होते हैं या मैन होते हैं, उनकी नेचुरल डिज़ायर होती है सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। आप अपने से देख लो, आप कभी रहना चाहोगे इस तरीके की कंडीशन में जो पुअर, नास्टी, ब्रिटिश हो, फियर से हो, फुलफिल हो? तो इस तरीके की कंडीशन में कोई नहीं रहेगा इंडिविजुअल। हर एक मैन की नेचुरल डिज़ायर है फॉर सिक्योरिटी एंड ऑर्डर, राइट। तो इन ऑर्डर टू सिक्योर सेल्फ प्रोटेक्शन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड टू अवॉइड मिजरी एंड पेन, तो ये जो इंडिविजुअल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब ये है कि जो मैन है वो नेचुरल डिज़ायर है फॉर सिक्योरिटी एंड ऑर्डर के लिए। So in order to secure self-protection and self-preservation, avoid misery and pain, individuals क्या करते हैं, contract पे enter करते हैं। ये हो गया जवाब हमारा। अब देखते हैं next कि the idea of self-preservation and self-protection are inherent in man's nature। तो हमने देख लिया, राइट। तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करते हैं। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका क्या प्रोसेस है, वो कैसे करते हैं, तो वो भी समझते हैं कि जो मैन है दे वॉलेंट्री सरेंडर ऑल देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स। जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर रहे हैं, जो मैन है सोसाइटी के, वो अपने जो राइट्स एंड फ्रीडम है उसको वॉलेंट्री सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है, हम अपने राइट्स एंड फ्रीडम को सरेंडर करते हैं टू सम अथॉरिटी। किसके लिए टू सम अथॉरिटी, राइट। और इस कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या करेंगे, उस अथॉरिटी को ओबे करेंगे। जैसे कि हम अपने यहाँ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स हम ओबे करते हैं, इन सारी चीज़ों को। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट स्टेप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने वॉलेंट्री सरेंडर किया अपने राइट्स एंड फ्रीडम का टू सम अथॉरिटी, एंड वो और क्या करेंगे बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, वो उनके जो अथॉरिटी है उसके कमांड को, उसके लॉ को ओबे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर एज अ रिजल्ट सेकेंड स्टेप क्या है, जो आपका अथॉरिटी है वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। तो ये एक्सचेंज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, ये क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने राइट्स एंड फ्रीडम को वॉलंटरी गिव अप कर रहे हैं टू दैट अथॉरिटी, और इन रिटर्न दैट अथॉरिटी क्या करेगी, उनके जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो हुआ म्यूचुअल एक्सचेंज वाली या म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट की, दिस लेड टू एमर्जेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ रूलर या मोनार्क, आप जो भी कहें, राइट। सो यहाँ पर ये अब हॉब्स के उसमें, थॉमस हॉब्स के उसमें जो ये रूलर रहेगा ये ऑब्सोल्यूट हेड रहेगा, सारी पावर इसके पास रहेगी। सब्जेक्ट हैड नो राइट्स अगेंस्ट द ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी और सबरिन,
राइट right? तो जो इंडिविजुअल हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो प्रजा है या जो इंडिविजुअल हैं या मेन है, उनको ओबे करना है सारे लॉस को, किसके? अथॉरिटीज के, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो ये हो गई आपके कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कि जो अथॉरिटी बनेगी कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो क्या रहेगी, ऑब्सोल्यूट सवरिन रहेगी, ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी रहेगी। बट हाँ, हॉब्स ने क्या किया है, मोरल ऑब्लिगेशन रखा है सवरिन में, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रखी है, ये चीज भी ध्यान रखना है। तो आपको, आप होप्स, पहले हमने स्टेट ऑफ द नेचर के कॉन्सेप्ट को समझा थॉमस हॉब्स के, सेकंड हमने समझा कि ये जो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा। थर्ड हमने क्या समझा कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस है वो क्या है, ये भी हमने समझ लिया। और फोर्थ आपका क्या हुआ, जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो क्या है, ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी है, ऑब्सोल्यूट सवरेन है, ये भी हमने समझ लिया। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थॉमस हॉब्स का है वो क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इतना आपने ठीक से समझ लिया तो मोर देन एनफ है आपके आंसर लिखने के लिए। तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हॉब है, हॉब्स का है, वो सपोर्टर है ऑब्सट्यूलिज्म का। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि जो थॉमस हॉब्स हैं वो ऑब्सट्यूलिज्म को या ऑब्सोल्यूट सवरेनिटी को वो करते हैं, तो यस, वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो सवरेन आएगा वो ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी होगा। ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी का ये मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अथॉरिटी के हर एक लॉ को, चाहे वो बैड हो या अनवर्दी हो, उनको ओबे करना होगा हर एक सिचुएशंस में, राइट तो नेक्स्ट चलते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। और सो लॉ इज डिपेंडेंट अपॉन द सैंक्शन ऑफ सवरेनिटी एंड द गवर्नमेंट विदाउट सॉर्ड आर बट वर्ड्स एंड नो स्ट्रेंथ टू सिक्योर मैन एट ऑल। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं, राइट तो हाँ, नेक्स्ट एक जो कॉन्सेप्ट है कि हॉब्स ने क्या किया है, एक मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर दी है। मैकेनिस्टिक थ्योरी ह्यूमन ऑफ बींग का ये मतलब है कि ह्यूमन बींग्स आर जस्ट लाइक एक्सक्लूसिवली सेल्फ इंटरेस्टेड, मतलब वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी उनमें हारमनी एंड कम जो कम्युनिटी के लिए सर्व करना, ये जो कॉमन गोल्स, ये सब के लिए कॉमन गुड, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो हॉब्स का थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, वो इन्फर करता है कि मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर दैट ह्यूमंस आर नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिवली सेल्फ इंटरेस्टेड, ऑल मेन परस्यू ओनली व्हाट दे परसीव टू बी इन देयर ओन इंडिविजुअली, मतलब जो उन्हें अपने इंटरेस्ट के, बेस्ट इंटरेस्ट के लिए लगता है, सिर्फ वो परस्यू करते हैं। इसी को कहा जाता है इंडिविजुअलिज्म, इसी को कहते हैं हम इंडिविजुअलिज्म, किस एक्सक्लूसिवली सेल्फ इंटरेस्टेड है। इसी को आप मैकेनिस्टिक थ्योरी भी कर सकते हैं, इसी को आप इंडिविजुअलिज्म भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है। सो दे रिस्पॉन्ड मैकेनिस्टिकली बाई बींग ड्रॉन टू दैट विच दे डिजायर। तो मैकेनिस्टिक व्यू को मतलब एक मशीन की तरह, उन्हें जो लगता है कि सही है उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, उस डिजायर के हिसाब से वो एक्शन लेते हैं या मूव करते हैं, राइट सो ये टर्म, ये की वर्ड है, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये की वर्ड जरूर मैंशन करना है कि जो एक्सक्लूसिवली सेल्फ इंटरेस्टेड है, राइट नेक्स्ट है कि हॉब्स ऑल्सो आर्ग्यू दैट ह्यूमन बींग्स आर रीजनेबल। आपको पता है कि जो थॉमस हॉब्स हैं वो सिविल वॉर की कंडीशन में थे, राइट और सिविल वॉर के कंडीशन में उन्होंने ये नॉट रीजनेबल, उन पे रेशनल कैपेसिटी टू परस्यू देयर डिज़ायर एज अ इफ़िशेंटली एंड मैक्सिमली, मतलब जो उनके रेशनल कैपेसिटी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में या परस्यू करने में। तो ये हो गया ह्यूमन नेचर। तो इस तरीके से हमने देख लिया, तो आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि हम हॉब्स को क्या कह सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म, मटीरियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड ऑब्सोल्यूशंस, ये सारे हो गए इंटरवोवन इन द थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। सो होप्स थॉमस हॉब्स को आपको स्टेट ऑफ नेचर समझ आया होगा, इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझ आई होगी, इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद जो आपका सवरिन होगा, लेवियाथन होगा, वो कैसा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा वो क्या होगा, ऑब्सोल्यूट होगा। इसके बाद हमने ह्यूमन नेचर का जो मैकेनिस्टिक थ्योरी है उसको भी देख लिया।
नेक्स्ट आते हैं आपका एनालिसिस थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय जॉन लॉक। तो जॉन लॉक का देखते हैं कि क्या सीन है। सो जॉन लॉक थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ हॉब्स। तो हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जिससे कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज हैं उसकी क्लैरिटी आए आपको। सो जो जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ी डिफरेंट है थॉमस हॉब्स से। अब देखते हैं कि कैसे डिफरेंट रहेगी। अकॉर्डिंग टू हिम मतलब जॉन लॉक, जो स्टेट ऑफ द नेचर में जो मैन रहते हैं, बट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट नेचर इज थोड़ा सा डिफरेंट है हॉब्स से। हॉब्स का स्टेट ऑफ द नेचर हमने क्या देखा, पुअर है, नास्टी है, ब्रिटिश है, जबकि जो आपका जॉन लॉक है उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ द नेचर क्या है, रीजनेबली गुड एंड इंजॉयबल है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इतना भी मिजरेबल नहीं है, इतना भी पेनफुल नहीं है जैसे कि हॉब्स ने एक्सप्लेन किया है। जॉन लॉक ये कहते हैं, जॉन लॉक कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ द नेचर है वो रीजनेबली गुड है और इंजॉयबल है। तो बट एक ही प्रॉब्लम है स्टेट ऑफ द नेचर में जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। जब आपको आपके अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब लॉक कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ द नेचर है वो रीजनेबली गुड है, इंजॉयबल है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जॉन लॉक कहते हैं कि ठीक है, स्टेट ऑफ द नेचर अच्छा है, लोग रेशनल हैं, रीजनेबल हैं, रीजनेबली गुड है, इंजॉयबल है, बट एक ही प्रॉब्लम है स्टेट ऑफ द नेचर में जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, वो है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं थी। राइट, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, सब कुछ अच्छा था स्टेट ऑफ द नेचर में, ये इतना मिजरेबल नहीं है ये जितना कि हॉब्स ने बताया है, ये रीजनेबली गुड एंड एंजॉयबल है, बट एक ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, वो है प्रॉपर्टी वॉज नॉट सिक्योर। सो ही कंसिडर्ड स्टेट ऑफ नेचर एज अ गोल्डन एज। MCQ में ये भी पूछा जाता है आपका, गोल्डन एज किसने कहा है स्टेट ऑफ नेचर को, तो वो कौन होगा, आपका जॉन लॉक। तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, पीस है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है एंड प्रिजर्वेशन है। तो जॉन लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर को जो एक्सप्लेन किया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हैं आपकी। तो जब भी पूछा जाए आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस है एंड प्रिजर्वेशन है। तो आपके अंदर से क्वेश्चन आएगा, जब इतना ही अच्छा है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इस जॉन लॉक उसका आंसर देते हैं कि क्योंकि प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं है, इसके लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए थी और हम स्टेट ऑफ द नेचर में एक स्टेट ऑफ द नेचर का यही एक है कि वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, बट वहाँ का सर्कमस्टेंसेस अच्छा था, माहौल अच्छा था, बट प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं थी, इसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई जो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दे सके। राइट, तो जॉन लॉक जस्टिफाई करते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो नेचुरल कंडीशन ऑफ मैनकाइंड वॉज स्टेट ऑफ परफेक्ट एंड कंप्लीट लिबर्टी। ये एक इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो अब हम इसको देख लेते हैं, इसको आप डिटेल में इतना पढ़ सकते हो, ऑलरेडी जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वही है स्टेट ऑफ नेचर, समझ गए हो आप ना, एक प्री पॉलिटिकल सिचुएशन। प्री पॉलिटिकल का मतलब स्टेट ऑफ नेचर ये है जहाँ पर कोई लॉ नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी, ऐसी इंडिविजुअल ऐसे ही रह रहे थे, तो इसे कहते हैं प्री पॉलिटिकल सोसाइटी। तो अब प्रॉपर्टी का देख लेते हैं। तो जॉन लॉक कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है एक एसेंशियल रोल प्ले करती है लॉक के आर्गुमेंट में फॉर सिविलियन गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को एस्टैब्लिश करने में, हमने देखा ही ऊपर। तो लॉक कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट कब होती है, जब अब इंडिविजुअल अपना लेबर रॉ मटेरियल के साथ मिक्स करता है तो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो गिवन द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच प्रॉपर्टी वन कैन ओन, वन इज नॉट अलाउड टू टेक मोर फ्रॉम द नेचर वन सेल्फ। ये भी ये बताते हैं प्रॉपर्टी के बारे में भी, अगर प्रॉपर्टी के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तो ये लिख सकते हो आप कि प्रॉपर्टी का है, जब इंडिविजुअल अपना लेबर और रॉ मटेरियल ऑफ नेचर के साथ मिक्स करता है तो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है।
सो जॉन लॉक ने कंसीडर प्रॉपर्टी एज अ स्टेट ऑफ नेचर में जो प्रॉपर्टी है इनसिक्योर होती है बिकॉज ऑफ द थ्री कंडीशन. अब प्रॉपर जब इतना अच्छा माहौल है सब है तो प्रॉपर्टी कैसे इनसिक्योर है, तो इसके क्या है कि वहाँ पर एब्सेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड लॉ है, एब्सेंस ऑफ इम्पार्शियल जज है एंड एब्सेंस ऑफ नेचुरल पावर टू एग्जीक्यूट नेचुरल लॉ, क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है. तो ये तीन कंडीशन नहीं है जो प्री पॉलिटिकल सोसाइटी है या प्री पॉलिटिकल सोसाइटी जो जिसे हम स्टेट ऑफ नेचर कह रहे हैं, राइट. तो इनका अभी हमने समझ लिया जो जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, सब कुछ अच्छा है बट प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं है. तो दूसरा क्वेश्चन उठता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्यों हुआ, ताकि प्रॉपर्टी का प्रोटेक्ट किया जा सके. अब प्रॉपर्टी क्यों नहीं सिक्योर है, क्योंकि वहाँ पर एब्सेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ है, एब्सेंस ऑफ इम्पार्शियल जज है, एब्सेंस ऑफ नेचुरल पावर टू एग्जीक्यूट नेचुरल लॉ है, क्योंकि प्री पॉलिटिकल में कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, तो ये सब चीजें कहां से होंगी. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये तीनों चीजों पाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इन तीनों चीजें ताकि हमें मिल सकें, राइट. नेक्स्ट पढ़ते हैं. तो स्टेट ऑफ नेचर में फेल्ट नीड टू प्रोटेक्ट देयर, तो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर लोगों ने इसलिए आना चाहा क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे. एंड पर्पस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जो पर्पस था उनका प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, वही उनको लेड किया टू एंटर इनटू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे कि उस प्रोसेस में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस में हमने क्या देखा था, इंडिविजुअल ने वॉलंटरी अपने राइट्स को और फ्रीडम को गिव अप किया था अथॉरिटी के सामने. यहाँ जॉन लॉक के उसमें क्या चल रहा है कि मैन डिड नॉट सरेंडर ऑल देयर राइट्स. जॉन लॉक कहते हैं कि सारे राइट्स को सरेंडर करने की जरूरत नहीं थी और ना ही सबने वो किया, राइट. उन्होंने क्या किया था, केवल सरेंडर किया था ओनली द राइट टू प्रिजर्व एंड मेंटेन ऑर्डर एंड इन्फोर्स द लॉ इन द नेचर, राइट. सो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल थे उन्होंने अपने पास रिटेन, अपने पास सुरक्षित रखे, इंडिविजुअल रिटेन किया अपने पास कौन से राइट्स, द राइट ऑफ लिबर्टी, द राइट ऑफ लाइफ एंड द स्टेट एंड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी. ये तीनों राइट्स को इंडिविजुअल ने नहीं सरेंडर किया था, ये अपने पास रखे थे. सिर्फ एंड सिर्फ जो राइट उन्होंने सरेंडर किया था वो था जो मेंटेन ऑर्डर एंड इन्फोर्स द लॉ, ये इन्होंने राइट केवल सरेंडर किया था. तो ये इनकी कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस हो गई, फर्स्ट स्टेप हो गया. यहाँ पर जो जॉन लॉक है वो कहते हैं कि एक पहले पॉलिटिकल सोसाइटी क्रिएट होती है फिर गवर्नमेंट क्रिएट होती है. तो यहाँ पर जॉन लॉक के उसमें आप देखेंगे कि दो स्टेप हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे. पहले स्टेप पे पॉलिटिकल सोसाइटी क्रिएट होगी, सेकेंड स्टेप पे आपका क्या क्रिएट होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी क्रिएट होगी. जबकि हॉब्स के उसमें क्या था, सिर्फ एक स्टेप था और एक स्टेप पे ही गवर्नमेंट क्रिएट की गई थी. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाँ वो तीन चीज़ें जो स्टेट ऑफ नेचर में नहीं थी, वो तीन चीज़ें क्या थी, लॉ, जजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, राइट. इसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पर. सो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो हम यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के बाद से, तो उस गवर्नमेंट का पर्पस क्या होगा, एंड लॉ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ द मैन. सो लॉ, तो वो कहते हैं कि उनका गवर्नमेंट का क्या पर्पज़ है, जो इंडिविजुअल है उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना. और जब तक गवर्नमेंट ये पर्पज फुलफिल कर रही है तब तक गवर्नमेंट वैलिड है एंड बाइंडिंग रहेंगे उसके लॉज एंड डिसीजन. इन केस अगर गवर्नमेंट ये पर्पज़ फुल नहीं कर रही है, कौन सा पर्पज़, जो प्रोटेक्शन, जिस पर्पज़ के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर वो पर्पज़ नहीं कर रही है तो उनके जो लॉ रहेंगे उनकी वैलिडिटी नहीं रह जाएगी और गवर्नमेंट को पावर से बाहर फेंका जा सकता है. ये उसी तरीके जैसे मॉडर्न ने आपने कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, तो जैसे अभी क्या है, एलन मस्क का आपने देखा होगा, उन्होंने ट्विटर बाय किया था $44 बिलियन का. तो जब उन्होंने अभी क्या, उन्होंने उस डील को कैंसिल कर दिया है. उनका मानना था कि जो ट्विटर की अथॉरिटीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स या जो नॉर्म्स थे उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या कहा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं.
तो यही होता है यहाँ पर। तो लॉक कहते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट पर्पस था, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, वो पर्पस फुलफिल नहीं कर रही है, तो उस गवर्नमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी और उसे पावर से बाहर फेंका जा सकता है। तो लॉक लॉक के अकॉर्डिंग क्या है, जो अथॉरिटी है वो अनलिमिटेड जो है वो नहीं है, वो क्या है, लिमिटेड सॉवरेनिटी है। तो हॉब्स के उसमें क्या देखा था, अनलिमिटेड है, ऑब्सोल्यूट है, जबकि जॉन लॉक के उसमें क्या है, लिमिटेड अथॉरिटी है, लिमिटेड सॉवरेनिटी है। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि अगर वो अपना पर्पस सर्व नहीं कर रहे तो उसको पावर से बाहर फेंक दिया जाएगा, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सो हेंस जॉन लॉक एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट ऑफ लिबर्टी नॉट ऑफ लाइसेंस। लॉक एडवोकेटेड स्टेट फॉर जनरल गुड ऑफ द पीपल, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। आपके MCQ में ये भी पूछा जाता है, तो आप अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो है उसका, उसमें भी ये देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका जॉन लॉक का। तो हमने देखा कि वो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को छोड़ के, ये 3 कार्डिनल राइट्स हैं जो पूछे जाते हैं, ये इसको छोड़ के बाकी सब सरेंडर किया था। तो बाकी हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड गवर्नमेंट है। ये सारे जो की वर्ड है ना, ये आपके आंसर्स पे आने चाहिए। तो होप्स हो आपको कि जो जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पहले स्टेट ऑफ द नेचर, फिर उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और इसके बाद से जो अथॉरिटी बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जॉन लॉक की, जे जे रूसो। तो रूसो क्या है, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने 2 बुक्स, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इमाइल। ये सारी चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट इनके कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि इनका स्टेट ऑफ द नेचर क्या था, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, और इनकी अथॉरिटी कैसी है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टेट ऑफ द नेचर है, तो वो क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन बनाया गया था जो प्री पॉलिटिकल था, जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई लॉ नहीं था। तो जो ये रूसो है वो कहते हैं कि प्रायर टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो स्टेट ऑफ द नेचर था, वहाँ पर जो लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज हैप्पी एंड देयर वॉज इक्वालिटी एमंग मैन, राइट। तो जो रूसो है उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ द नेचर क्या था, हैप्पी था, इक्वालिटी था। जब सब कुछ अच्छा था तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बेसिक क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए, जैसे हमने जॉन लॉक के उसमें समझा। तो जब जब स्टेट ऑफ द नेचर अच्छा है, हैप्पी है, इक्वालिटी है, तो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, समझते हैं इस चीज़ को। सो जैसे रूसो कहते हैं कि जैसे 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 टाइम पास होता है, ह्यूमैनिटी फेस्ड सर्टेन चेंजेस, ह्यूमैनिटी या ह्यूमन सिविलाइजेशन में चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या हैं, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, राइट। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पीपल अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके तरीके चेंज होंगे, राइट। पीपल धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी फैमिली में रहना शुरू करते हैं, फिर स्मॉल कम्युनिटीज बना लेते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, राइट। इसके बाद से आप देखेंगे कि डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन होते हैं लाइफ को इजी बनाने के लिए, राइज ऑफ द लेजर टाइम। मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन, स्टेट ऑफ द नेचर अच्छा था, हैप्पी था, इक्वालिटी था, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमैनिटी ने या ह्यूमन सिविलाइजेशन ने प्रोग्रेस किया, जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर आता है, नए इन्वेंशन होते हैं, डिस्कवरीज आते हैं, बहुत नए नए प्रोडक्शंस आते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे चीज़ें इंक्रीज हो, जब से प्रोग्रेस होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे बैड थिंग्स भी आती हैं सोसाइटी में, राइट। तो जो ये लेजर टाइम था, वो पीपल टू मेक कंपैरिजन बिटवीन देमसेल्व्स एंड अदर। लेजर टाइम का ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल इतनी मशीन्स एंड डिस्कवरीज हुई, तो खाली टाइम मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको छोटे छोटे से चीज़ें हैं, जैसे जो सारा काम आपका मशीन कर रही है। पहले फॉर एग्जाम्पल, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या, मशीन को इन्वेंशन हुआ, एनर्जी आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, तो जो जो आदमी हाथ से काम करता था वो मशीन काम करने लग गए, तो इंडिविजुअल को काफ़ी खाली टाइम मिलने लग गया। तो रूसो कहते हैं कि उस खाली टाइम, जो लेजर टाइम था, उसको क्या किया, लोग उस टाइम पे क्या करते थे, फालतू की बैड थिंकिंग, और वो बैड थिंकिंग क्या थी, जो कंपैरिजन करने लगे
अपने बीच में और दूसरे के बीच में, तो इससे क्या हुआ, रिजल्टिंग इन पब्लिक वैल्यूज लीडिंग टू शेम, एनवी, प्राइड एंड कॉन्टेम्प्ट। तो जो अब जब कंपैरिजन करेंगे तो जो जो अच्छी पोजीशन में होंगे, रिच होंगे, उनको प्राइड होगा, जो पुअर पीपल होंगे वो क्या होगा, शेम होगा। इस तरीके की चीज़ें सोसाइटी में आने लग गई। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ अकॉर्डिंग टू रूसो वॉज इन्वेंशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और दूसरा चीज़ क्या हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्वेंशन। तो रूसो के अकॉर्डिंग जब इतना सारा ह्यूमन सिविलाइजेशन ने प्रोग्रेस किया, जिसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी प्राइवेट प्रॉपर्टी का आना, तो ये जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, ग्रीड, कॉम्पिटिशन, वैनिटी, इनइक्वालिटी। कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का नोशन होता है ना, तो लोग मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी को एकुमुलेट करने की रेस में लग गए, रैट रेस शुरू हो गई कि हमारे पास इतनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाए, हम इतने वेल्दी रिच हो जाए, जैसे आज के टाइम पे होता है। आप देखते हो ना, आप अपने आसपास की सिचुएशन से देख लें। तो रूसो कहते हैं कि जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के नोशन ने क्या क्या किन चीज़ों को बर्थ दिया, ग्रीड, लालच, कॉम्पिटिशन आना शुरू हो गया, वैनिटी, इनइक्वालिटी शुरू हो गई सोसाइटी में, जबकि स्टेट ऑफ द नेचर क्या था, गुड था, इक्वल था। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, जैसे जैसे सिविलाइजेशन ने प्रोग्रेस किया तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आना शुरू हो गई, ग्रीड एंड कॉम्पिटिशन आना शुरू हो गया। तो जो स्टेट ऑफ नेचर में अच्छी चीज़ें थी उनका फॉल होना शुरू हुआ, फॉल फ्रॉम द ग्रेस आउट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। सो यहाँ पर तो ये सारी कंडीशन, स्टेट ऑफ द नेचर हमने समझ लिया। दूसरा हमने इस ये आंसर भी समझ लिया कि जब सब कुछ अच्छा था तो रूसो के अकॉर्डिंग जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसका कारण भी हमने समझ लिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने प्रोग्रेस किया, जिसकी वजह से समाज में ग्रीड, कॉम्पिटिशन, वैनिटी और इनइक्वालिटी आना शुरू हो गई। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके स्टेप्स देखते हैं। तो फॉर दिस पर्पज़ दे सरेंडर्ड देयर राइट्स नॉट टू सिंगल इंडिविजुअल। हाँ, तो ये सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करने को सोचा, ताकि वो फिर से अच्छी चीज़ें, अच्छी सोसाइटी इस्टेब्लिश कर सकें। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, अपने जो राइट्स थे, फ्रीडम थी, लिबर्टी थे, उसको सरेंडर किया। बट वो कहाँ सरेंडर करते हैं, कम्युनिटी को सरेंडर करते हैं, किसी सिंगल इंडिविजुअल या अथॉरिटी को नहीं कर रहे हैं। जबकि इसके पहले हॉब्स एंड लॉक में हम क्या देख रहे थे, एक अथॉरिटी को सरेंडर कर रहे थे। बट रूसो को यही चीज़ है जो अलग बनाती है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि वो जो इंडिविजुअल अपने राइट्स को सरेंडर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस में, वो अपने राइट्स किसको सरेंडर करते हैं, कम्युनिटी एज अ होल, राइट। और इसी को बोला जाता है जनरल विल का कॉन्सेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू रूसो जो ओरिजिनल फ्रीडम, हैप्पीनेस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी था, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट कर रहा था, स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन में लॉस्ट हो गया। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे क्या किया हमने, एक फिर से सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक न्यू फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जहाँ पर स्टेट को एग्जिस्टेंस में लाया गया, और हम यहाँ पर गारंटी दे सकें कि जो हमारे राइट्स, लिबर्टीज और फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैं, ये सिक्योर होंगी। दिस वॉज द पर्पज ऑफ द रूसोज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो नेक्स्ट कहते हैं कि जो रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है या थ्योरी ऑफ जनरल विल है, इज द स्टेट एंड लॉ वर द प्रोडक्ट ऑफ जनरल विल ऑफ द पीपल। तो ये कहते हैं कि अब जब उन्होंने अपने राइट्स, इंडिविजुअल ने अपने राइट्स एक कम्युनिटी को सौंपा है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल को, तो जो कम्युनिटी है वो क्या है, जनरल विल को परस्यू करेगी। तो जो स्टेट या जो लॉ बनाएगी, जो स्टेट होगा या लॉ बनेगा, वो जनरल विल से इंस्पायर होगा, ना कि इंडिविजुअल विल से, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आपको देखेंगे कि रूसो के अकॉर्डिंग जो इन रिटर्न हमें यहाँ इस जो हमने राइट्स कम्युनिटी को सौंपे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, सिविल लिबर्टीज़ मिलेंगी, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड असेंबली, ये सारे चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि थॉमस हॉब्स वाले में हमें क्या मिल रहा था, जब हम अपने राइट्स को सरेंडर कर रहे हैं तो रिटर्न में हमें प्रोटेक्शन मिल रही थी।
जॉन लॉक केस में हमें रिटर्न में क्या मिल रहा था, हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन मिल रहा था। इसके बाद से आप देखेंगे कि जो रूसो है उनके उसमें हमें इन रिटर्न में क्या मिल रहा है, सिविल लिबर्टीज मिल रही हैं। वो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड असेंबली। सो जनरल विल को समझते हैं थोड़ा सा। जो जनरल विल है, देयरफॉर ऑल पर्पस वॉज द विल ऑफ मेजोरिटी सिटीजन्स, राइट। जनरल विल है कि जो सारे जो कॉमन गुड के लिए परस्यू कर रही है, गेटिंग इट। नेक्स्ट एक आता है कि रूसो ने पीपल सवरेनिटी को परस्यू किया या फेवर किया। तो उन्होंने यहाँ जैसे देखेंगे कि थॉमस ऑब्सोल्यूट सवरीन है, जबकि जो जॉन लॉक है उनके उसमें लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सवरेनिटी है, जबकि रूसो के उसमें क्या है, पीपल सवरेनिटी है। सवरेन कौन है, सुप्रीम लोग कौन है, पीपल्स हैं, राइट। तो ये हो गया। एक इनकी स्टेटमेंट बहुत पूछी जाती है कि मैन इज बॉन्ड फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो ये हो गए तीनों के कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो आप इसका कंपैरेटिव स्टडी हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे स्लाइड मेंशन है, आप कर सकते हो कि हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप इसे पढ़ सकते हो आराम से स्लाइड को पॉज करके। ओके, मैं एक बार और से फिर से दिखा दूँ कंपैरिजन वाली स्लाइड आपको। सो कंपैरिजन ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। मैंने ऑलरेडी तीनों को जब बताया है तो कंपैरेटिव स्टडी करके ही एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर आपको इसको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो आप इसको कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और इसके इसके नोट्स बना सकते हो। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स अ लॉट।